नमस्कार, मेरे चैनल भक्ति की मस्ती में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अनंत चतुर्दशी के व्रत से संबंधित बात करेंगे। इस व्रत के महत्व को जानेंगे, इसकी पूजा विधि और कथा भी सुनेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करें। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। यह भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की उपासना का दिन होता है। भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के पालनकर्ता माने जाते हैं। इसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है तथा इसी के साथ गणेशोत्सव का समापन होता है। इस दिन प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। साथ में विष्णु भगवान की प्रतिमा भी रख सकते हैं। सूत या रेशमी धागे को हल्दी और कुमकुम से रंग कर उस पर 14 गांठे लगाकर अनंत भगवान को चढ़ाएं। ये 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। ये 14 लोकों के नाम हैं सतलोक, तपलोक, जनलोक, महालोक, स्वर्गलोक, भूलोक, भवलोक, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान करें। अनंत धागे को व्रत करने वाला अपनी दाहिनी भुजा में बांध ले। यह धागा अनंत फल को देने वाला है। इसमें अनंत भगवान विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु का रूप माने जाने वाले इस धागे को रक्षा सूत्र भी कहते हैं। इसके बाद व्रत की कथा सुने। यदि आप व्रत नहीं भी करते तब भी इस कथा को सुन सकते हैं। इस व्रत से दरिद्रता दूर होती है व सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि धन और संतान कामना के लिए भी यह व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वहाँ स्थल में जल और जल में स्थल का भ्रम होता था। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जल को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। यह बात दुर्योधन के हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए उसने पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर जुए में छल से उन्हें परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक प्रकार के कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृतांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा और बोले, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की सुशीला नाम की एक कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य नामक ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम से चल दिए। मार्ग में रात्रि हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहाँ पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास लौट आई।
कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सब बता दिया। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को उन्होंने अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे के जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह विपत्तियों का पहाड़ टूटा है, किंतु तुम्हारे पश्चाताप करने से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम वापस आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि पूर्वक अनंत व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अतः सभी को यह व्रत कर भगवान अनंत की कथा अवश्य सुननी चाहिए।